नमस्कार, स्वागत है आपका कबीर न्यूज में। मैं हूं प्राची भटनागर। कर्नाटक हाईकोर्ट के जस्टिस कृष्ण एस दीक्षित ने निराशाजनक टिप्पणियां की हैं जो उनके चरित्र पर सवाल खड़ा करती हैं। जस्टिस ने बलात्कार के एक आरोपी की अग्रिम जमानत मंजूर करते हुए शिकायतकर्ता महिला के चरित्र पर सवाल उठाते हुए कहा, कोई भी पीड़िता रेप के बाद सो नहीं जाती है, किसी भारतीय महिला के लिए अशोभनीय है। हालांकि कोर्ट ने यह नहीं बताया कि एक रेप पीड़िता को रेप के बाद कैसा बर्ताव करना चाहिए। अदालत ने पाया कि मामले की परिस्थितियों को देखते हुए अभी उसके लिए ये विश्वास करना कठिन हो रहा है कि शादी का झूठा वादा करके शिकायतकर्ता के साथ दुष्कर्म किया गया। अदालत ने इस बात का भी संज्ञान लिया कि शिकायतकर्ता आरोपित के यहाँ 2 साल से उसकी कर्मचारी थी। जस्टिस कृष्णा एस दीक्षित ने कहा, शिकायतकर्ता ने ऐसा कुछ जिक्र नहीं किया कि रात 11 बजे वे कार्यालय क्यों गई। उसने याचिकाकर्ता के साथ शराब पीने पर ऐतराज क्यों नहीं जताया और उसने उसे सुबह तक अपने साथ क्यों रुकने दिया। जस्टिस दीक्षित ने कहा, शिकायतकर्ता का ये कथन कि इस कृत्य के बाद वे थककर सो गई किसी भी भारतीय महिला के लिए अनुपयुक्त है। ऐसे में जस्टिस कृष्णा की ये टिप्पणी उनकी बुरी छवि प्रदर्शित कर रही है। जस्टिस कृष्णा एस दीक्षित ने कहा, जब हमारी महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती की जाती है तब उनकी ऐसी प्रतिक्रिया नहीं होती। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता के विरुद्ध दुष्कर्म, धोखाधड़ी और धमकी देने के आरोप वाकई गंभीर हैं, लेकिन अकेली गंभीरता किसी नागरिक को स्वतंत्रता से वंचित करने का आधार नहीं हो सकती। अदालत ने शिकायतकर्ता के उस कथित पत्र का भी संज्ञान लिया कि यदि समझौता हो जाता है तो वह अपनी शिकायत वापस ले लेंगी। इसके बाद अदालत ने कुछ शर्तों के साथ आरोपित को जमानत दे दी।